आई एम द मेम्बर ऑफ द स्टडी हब यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का जेके बोज का ट्वेल्थ क्लास का पेपर ट्वेंटी 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 टू से ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का सेशन का ये इंग्लिश का पेपर है ट्वेल्थ क्लास का तो ये हम डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का क्वेश्चन है रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसमें क्या होगा कि दो तरीके के पैसेजेस आएंगे दोनों दस दस मार्क्स के हैं पहला पैसेज जो आएगा वो उसमें क्या करना है आपने उस पैसेज के के बेसिस पे नोट्स बनाने हैं और और एक समरी जिसको बोलते हैं नोट मेकिंग ठीक है एक पैसेज आएगा उस पैसेज को देख के आपने नोट्स बनाने हैं और उस पैराग्राफ की समरी लिखनी है तो ये फर्स्ट पैराग्राफ वही है कि आपको क्या करना है नोट्स और उसकी समरी uh, लिखनी है विथ सूटेबल टाइटल के लिए टाइटल और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है नेक्स्ट पैसेज जो है वो आपको आएगा उसको आपने अच्छे से पढ़ना है और आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस पैराग्राफ को देख के दिए होंगे उनको आपने इस पैराग्राफ को देखकर आंसर करने हैं ठीक है जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर फैशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्पस एक्सपेक्ट पिक आउट इनमें से आपने एक ऑप्शन जो है वो लिखना है पैसेज को देख के पैसेज को केयरफुली पढ़ें और इनका आंसर देना है वाई डज द ऑथर मैंशन अ रिस्ट वॉच इन अ पैराग्राफ डज द ऑथर एक्सप्लेन हाउ हाई स्टेटस में इन्वॉल्व इन इन्वर्टेड स्टेटस यस और नो ठीक है तो ये भी जो है वो टेन मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है नेक्स्ट है सेक्शन बी में जो है राइटिंग स्किल्स होंगी इसमें नोटिस लेटर्स वगैरह जो है वो उन्होंने दिया होगा जैसे थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन में लिखा है राइट यू आर इंचार्ज टीचर आप इंचार्ज टीचर हो मिड डे मील इन आपके अपने स्कूल के आपको लिखना है स्पाइस सेलर नवाल को लेटर लिखना है कि वो क्या करे आ, अच्छे क्वालिटीज़ के स्पाइसेस जो हैं वो आ, स्कूल की किचन के लिए सप्लाई करे और इसके और में ही दिया हुआ है कि आपको क्या करना है आप एक प्रिंसिपल हो हायर सेकेंडरी स्कूल के आपको क्या करना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो स्कूल में आ, बनानी है तो ड्रा आपको क्या करना है एडवर्टीजमेंट जो है वो डालनी है फॉर पोस्ट ऑफ साइक्रोलॉजिक पचास वर्ष से ज़्यादा होना नहीं चाहिए तो ये चार मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो होगा राइट अ लेटर टू अ चीफ लाइब्रेरियन ऑफ ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी एंड सीक हर हेल्प टू मेक अ वर्चुअल लाइब्रेरी इन योर स्कूल सो दैट स्टूडेंट्स कैन असेस ऑल बुक्स ईजीली तो ये ये जो है चीफ लाइब्रेरियन हो आप स्कूल के आपको क्या करना है स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बुक्स जो है वो मंगवानी है ये कितना होगा वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी वर्ड्स से ज़्यादा जो है ना ज़्यादा करना है ना कम करना है तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाएगा फाइव मार्क्स का राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड टीचर्स इन योयर स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सो हैज टू मेक योर स्कूल इंक्लूसिव एंड असेंबली फॉर द अनप्रिवलेज स्टूडेंट ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को रिक्वेस्ट करनी है कि उनके स्कूल के लिए अच्छे टीचर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए फिफ्थ क्वेश्चन है यू हैव डन मास्टर डिप्लोमा इन इन कल्नरी आर्ट्स राइट योर जॉब एप्लीकेशन फॉर रिज्यूम इसमें क्या है रिज्यूमे आपको बायोडाटा बनाना है अपने इसके ये भी वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी वर्ड्स का होना चाहिए नेक्स्ट आ जाता है यू सी इसी के और में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है अपने एडवर्टाइजमेंट देखी न्यूज़पेपर की तो वहाँ पे क्या चाहिए वोकेशनल ट्रेनर चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए तो आपको क्या करना है अपना रिज्यूम या वाइट रिज्यूमे जो है वो देना है एडवरटाइज uh, पोस्ट के लिए सो so, नेक्स्ट आ जाता है चिल्ड्रन एट वेरी यंग एज आर एडमिटेड इन क्रिचिस बिकॉज ऑफ बिजी वर्किंग पेरेंट्स राइट एन आर्टिकल ऑन द बेड इफेक्ट्स ऑफ ट्रेंड तो वर्किंग पेरेंट्स के बैड इफेक्ट्स जो हैं वो आपको डालने हैं दो सौ से ज़्यादा दो सौ से टू फिफ्टी वर्ड्स जो हैं वो आपको इसमें डालने हैं स्पीच रेड फेस कम्पिटिशन इज द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड हैज़ इम्पॉटेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड काइंडनेस दैट इज फास्ट डिक्लाइनिंग आवर सोसाइटी एक साइड स्पीच तैयार करनी है किसपे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड काइंडनेस दैट इज़ फास्टिंग डिक्लाइनिंग आवर सोसाइटी की आपकी जो है ब्रदरहुड और काइंडनेस जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है सोसाइटी में तो आपको उसके लिए एक स्पीच तैयार करनी है टू हंड्रेड से टू फिफ्टी वर्ड्स में तो ये छः मार्क्स का रहेगा नेक्स्ट आ जाता है एडिटेड द फॉलोइंग पैसेज ये जो पैसे फॉलोइंग जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है ये जो है रॉन्ग है कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं एरर्स हैं वो आपने ठीक करने हैं आठ मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन सी में लिटरेचर बुक्स में से आएंगे क्वेश्चन जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है और आपको इस एक्सट्रैक्ट को देख के क्वेश्चन पूछे होंगे उसके आपने आंसर देने हैं जैसे क्वेश्चन uh, आ सकते हैं देखते आया हुआ है वा इज़ द मदर ऑफ द ऑथर ओपन माउथ इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मदर का uh, ओपन um, माउथ क्यों कहा है अपनी मदर को वट डज डोज मीन्स डोज मीन्स क्या है इसमें वाई हैज़ बीन द ऑथर मदर लिंकड इन टू क्रॉप वाई फीलिंग टू यू गेट आफ्टर यू रीड दीज लाइन्स कि आपको क्या फील हुआ इन लाइन्स को अपने व्यूज़ देने हैं दो आएंगे एक आएंगे पोयम एक पोयम पोयम से आएगा एक चैप्टर में से आएगा अब ये चैप्टर में से आया है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ब्रेड ऑफ दिस गोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेट दैट वुड क्वेश्चन तो ये भी एक आ, वो दिया हुआ है पैसेज दिया हुआ है इनमें से भी आपको क्वेश्चन ढूंढ के जो हैं वो निकालने हैं दोनों जो आ, दोनों हैं एक पोएम का एक्स्ट्रेक्ट है और एक चैप्टर का पैसेज इन्होंने दिया हुआ है दोनों चार चार मार्क्स के हैं आठ मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट आ जाता है आंसर यानी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स फोर इनमें से छः क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं इनमें से पाँच क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं तो हर क्वेश्चन जो है वो दो दो मार्क्स का रहेगा दस क्वेश्चन दस मार्क्स के ये आपके क्वेश्चन रहेंगे फिर आ जाते हैं आपके लॉन्ग आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स तो फर्स्ट क्वेश्चन लॉ लॉस्ट स्प्रिंग से आया हुआ है द टाइटल लॉ स्प्रिंग कन्वेज डीपर मीनिंग की लॉ स्प्रिंग जो है उसका डीपर मीनिंग है इसको डिस्कस करना है वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी वर्ड्स का होना चाहिए छः मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा हाउ इज़ मदर टंग इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन मदर टंग जो है वो इम्पॉर्टेंट कैसे है इसमें आप अपने व्यूज भी दे, दे सकते हो तो नेक्स्ट आ जाता है इस पर आपने कमेंट करना है तो ये कितना वन ट्वेंटी से वन फिफ्टी वर्ड्स होना ही चाहिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फिर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो ये भी छः मार्क्स का क्वेश्चन है बट ये वन फिफ्टी टू वन एटी वर्ड्स का होना चाहिए सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर द अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू गो टू वाई और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया होता हुआ था तो इस बार भी आया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट ही है नेक्स्ट है वाइल हेटेड एंगेज्ड अ मेंबर ऑफ एनिमी रेस इज जस्टी फीएबल पर्टिकुलर ड्यूरिंग वार टाइम वी आर द डॉक्टर फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस ही वॉज इन डिस्कस तो ये इन्होंने दिया हुआ है सो so, I hope you will like if you like then press the bell icon and subscribe subscribe our channel and thank you